मध्य प्रदेश में भाजपा में हड़कंप मच गया है। दरअसल प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति विभाग के मंत्री नागर सिंह चौहान ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की धमकी दी है। एक दिन पहले ही नागर सिंह चौहान से वन और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विभाग लेकर कांग्रेस से आए रामनिवास रावत को दे दिए गए थे। नागर सिंह चौहान इसे लेकर बहुत ज्यादा आहत हैं। दरअसल रविवार को कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत को 13 दिनों के बाद राज्य सरकार ने वन और पर्यावरण मंत्रालय आवंटित किया था। यह विभाग पहले नागर सिंह चौहान के पास था, लेकिन यह दोनों विभाग जाने के बाद अब नागर सिंह के पास केवल अनुसूचित जाति विभाग का मंत्रालय बचा है। इसे लेकर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को इतने महत्वपूर्ण विभाग दिए जा रहे हैं और हम पूरी जिंदगी भाजपा की सेवा करके खांटी राजनीति करने वाले लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। नागर सिंह चौहान ने यह भी कहा कि अब उनके पास जो अनुसूचित जाति विभाग है वह मध्य प्रदेश में सिर्फ 4% जनता का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए उन्होंने अब फैसला किया है कि वह भविष्य में मंत्री पद छोड़ देंगे और विधायक के रूप में जनता की सेवा करेंगे। बता दें कि नागर सिंह की पत्नी अनीता सिंह भी सांसद हैं और मंत्री नागर सिंह ने यह भी कहा कि वो अपनी पत्नी से भी संसद सदस्य पद से इस्तीफा दिलवा देंगे। नागर सिंह का यह बयान आने के बाद अब पार्टी में हड़कंप मच गया और डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो गई हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं जब कांग्रेस नेताओं को प्राथमिकता दिए जाने को लेकर भाजपा के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले भी अजय बिश्नोई और गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ नेता भी इस बात को लेकर अपना रोष व्यक्त कर चुके हैं। अब इस ताजा घटना से साफ है कि भाजपा के अंदर ही अंदर कांग्रेस से आए नेताओं को लेकर नाराजगी पनप रही है। अरिहंत बर्तन भंडार रहली, हमारे यहाँ सभी प्रकार के बर्तन दही सामग्री सहित समस्त कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। संपर्क करें मयंक जैन 8120 50 84 90।